जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G की तरफ से। ये जून के 6 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में कहा था, ये जून में लॉन्च होगा। देखो जून में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस आपको दिखाई देगा 35,000 रुपीज़ के आसपास। बॉक्स प्राइस तो यही है, देखते हैं रियल प्राइस क्या होता है। अराउंड 30,000 रुपए के आसपास तो होगा ही होगा। सैमसंग का फोन है भाई, सैमसंग का स्वैग है। वैसे आप कमेंट करके बताओ, मुझे लगता है आई होप सो कि ऐसा ही हो कि 25,000 रुपए के आसपास रहे, आई होप सो। तो यारो फाइनली मोटो रेजर 40 सीरीज के फ्लिपेबल फोन्स लॉन्च हो गए हैं। और भाई मानो या ना मानो, बहुत ही बड़ा कवर डिस्प्ले मिलता है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा में। दो फ्लिपेबल फोन लॉन्च हुए हैं, एक मोटो रेजर 40 अल्ट्रा है और एक मोटो रेजर 40 है। आप उसको मोटो रेजर 40 लाइट भी कह सकते हो। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, देख लो यार। और अगर मैं सच कहूँ ना यार, मैं लाइट वाले के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मोटो रेजर 40, क्योंकि भाई उसका कवर डिस्प्ले भले ही छोटा है लेकिन यार वो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च होगा। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आए हैं, उसका प्राइस काफ़ी मस्त होगा बाहरी कंट्रीज़ में। और यार अगर ये इंडिया में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये इंडिया में आएंगे ज़रूर, क्योंकि भाई जब से ओप्पो अपने फ्लिपेबल फ़ोन को लॉन्च किया है ना, सभी ब्रांड्स लगे पड़े हैं अपने फ्लिपेबल फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करने का, वो भी बहुत ही मस्त प्राइस पे। क्योंकि यार ओप्पो का जो फ्लिपेबल फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मानो या ना मानो। बहुत सारे लोग उसको खरीदे हैं, उसके बहुत सारे यूनिट सेल हुए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था, रियलमी 11 प्रो सीरीज के फोन 8 तारीख को लॉन्च होंगे इंडिया में। देखो यार डेट कन्फर्म हो गया है और शाहरुख सर का वो एड भी आ चुका है, देख लेना जाके रियलमी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी थोड़ा सा मैं आपको झलकियां दिखा दे रहा हूँ, देख लो। एड काफी अच्छा है, शाहरुख सर बहुत ही अच्छी तरीके से डायलॉग्स दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। ऑब्वियसली बात है यार, वो जो बोलते हैं सुनने में अच्छा ही लगेगा, क्योंकि स्टाइल काफी अच्छा रहता है, स्वैग काफी अच्छा रहता है। खैर मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको ट्रेलर दिखा दूँ। खैर Realme 11 Pro का प्राइस होगा 21-22,000 रुपीस के आसपास और Pro Plus का प्राइस होगा 30,000 रुपीस के आसपास। जो बंदे Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स के प्राइसेस को जानते हैं वो बंदे समझ गए होंगे कि Realme 11 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स का क्या प्राइस होगा। बिल्कुल वैसे ही समझ के चलना, मजा नहीं आएगा, दिल टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। वैसे यार फ्लिपेबल फोन्स का बात निकल ही गया है, तो Google अपने अमेजिंग फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने के बाद वो एक पिक्सल फ्लिप फोन के ऊपर काम कर रहा है। मतलब कि Google का एक फ्लिपेबल फोन भी अपने को इस साल के एंड तक देखने को मिल सकता है, या फिर कभी भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई फोल्डेबल से ज्यादा फ्लिपेबल ज्यादा सक्सेस है, आप भी जानते हो। Xiaomi 14 सीरीज के ऊपर Xiaomi तेजी से काम करना चालू कर दिया है और ये Xiaomi का हाल नहीं है, सारे ब्रांड्स लगे पड़े हैं। Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आज IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुके हैं। देखो यार बात एकदम सिंपल सा है, 2-2.5 महीने बाद, करीब करीब मान के चलो 3 महीने बाद, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और MediaTek Dimensity 9300 ये दोनों प्रोसेसर्स रिलीज होंगे और सारे ब्रांड्स टूट पड़ेंगे अपने फोन्स को अनाउंस करने के चक्कर में। सभी ब्रांड्स अनाउंस करेंगे, तो भाई वो जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो रेस लगेगा कि कौन सा ब्रांड सबसे पहले अपने इस प्रोसेसर के ऊपर अपने फोन को लेके आएगा, मतलब कि 8 Gen 3 के ऊपर या फिर Dimensity 9300 के ऊपर। तो इसी चक्कर में यार सब बनाना चालू कर दिए फोन को। जिस तरीके से Xiaomi अपने Xiaomi 14 सीरीज के ऊपर काम करना चालू कर दिया है, Vivo अपने Vivo X100 सीरीज के फोन के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। इस साल के नवंबर मंथ के एंड होते होते तक हम लोगों को Vivo के X100 सीरीज के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन चाइना में लॉन्च होते हुए दिखाई दे देंगे। देख रहे हो यार, देख रहे हो ना, Redmi Note 12T Pro ये लॉन्च हो गया था ब्रो, इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूं मैं, अगर आप मिस कर दिए थे तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। साधारण शब्दों में समझाऊं तो Redmi K50i को जानते हो ना, उसके अंदर MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर था, तो उसको हटाकर MediaTek Dimensity 8200 लगा दो, लो बन गया Redmi Note 12T Pro। Moto G Stylus 2023 ये लॉन्च हो चुका है आज USA में। इसका प्राइस है 31,000 रुपीस। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। सैडली ये फोन इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि यार मोटोरोला का जो स्टाइलस सीरीज के फोन होते हैं ना, वो इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर यूएस तक ही सीमित रहते हैं, अमेरिकन मार्केट्स में। वो ज़्यादा मार्केट्स में लॉन्च नहीं करता है मोटोरोला अपने स्टाइलस सीरीज के फोन को। वैसे भी ये स्टाइलस के चक्कर में बड़ी महंगे होते हैं और स्पेसिफिकेशंस भी कुछ खास नहीं देते हैं। देखो यार हम सब लोग जानते हैं एप्पल के नए स्टोर्स इंडिया में खुल चुके हैं, टीम चचा के उद्घाटन भी किए, लेकिन आपको पता है जब से ये एप्पल के स्टोर्स हमारे इंडिया में खुले हैं, ये कितना पैसा कमाए हैं, अपने कितने प्रोडक्ट्स को सेल किए, कितना पैसा कमाए उन प्रोडक्ट्स को सेल करके, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, देख लो। हाँ इतना पैसा वो कमा चुके हैं। भाई कौन है वो लोग यार, उनके पास कितने सारे पैसे हैं, जो एप्पल कितने सारे प्रोडक्ट्स को खरीद लिए, वो भी अभी कुछ ही दिन तो हुए थे, आई थिंक महीना ही हो रहा होगा जहाँ तक ठीक से मुझे याद है। तो ये यार ये जो महीना जो बीता, इस महीने में
कौन वो लोग थे जो इतना ज्यादा उस स्टोर के अंदर में जाके इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीद लिए जो इतना बड़ा अमाउंट निकल के आया। सोच कर देखो। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है यार कि हाँ सब लोग खरीद रहे हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स को, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ये नंबर है, करोड़ देख रहे हो भाई। वैसे आप बताओ यार, आप गए थे स्टोर में खरीदने के लिए? Amazon का Amazon Echo Pop स्मार्ट स्पीकर विथ Alexa सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। 5,000 रुपए इसका प्राइस है। बहुत ही कम दाम में आपको बहुत ही अच्छे वाले ये मजेद दे देगा, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट भी है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जरूरत हो तो ही लो यार, नहीं तो मैं तो नहीं खरीदता इन सब चीजों को। बता दिया अपडेट था। Vivo Y27 5G आज NCC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है। लाइव इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। और कुछ खास फोन नहीं है यार, वही Vivo के जो Y सीरीज के नॉर्मल फोन होते हैं वही है और क्या। वैसे यार MediaTek Dimensity 9300 और Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का बात निकला है, जो अपकमिंग प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर है। उनके की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए थे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, आप समझ जाओगे। अगर आप प्रोसेसर के थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो आपको सारे कोड्स वगैरह के बारे में अंदाजा लग जाएगा। बेसिकली बहुत ही बवाल प्रोसेसर्स हैं। Vivo S17, Vivo S17T और Vivo S17 Pro, ये तीनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे ब्रो। मैं वीडियोस बना दिया हूँ, अगर आप मिस कर दिए हो तो आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी, सब कुछ अच्छे से आपका भाई बताया है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। मुझे Vivo S17 काफी अच्छा लगा। ऐसा लगता है Vivo V29 सीरीज के फोन्स हमारे उम्मीद से पहले ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि Vivo फिलीपींस के ऑफिशियल वेबसाइट पे Vivo V29 सीरीज का लैंडिंग पेज लाइव हो गया है। मतलब कि Vivo V29 सीरीज के फोन्स बहुत ही जल्द ग्लोबली लॉन्च होंगे, और एक बार ये ग्लोबली लॉन्च हो गए तो इंडियन लॉन्च भी बहुत ही करीब आ जाएगा। वैसे आप बताओ, एक्साइटेड हो? सही बता रहा हूँ, मेरे को उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो Vivo V27 सीरीज के फोन्स को खरीदे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा मैं आपको कह रहा था Realme GT Neo 6 बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है चाइना में। इसका नाम Realme GT Neo 6 ना होकर Realme GT Neo 5 Pro हो सकता है। 8 Gen 2 प्रोसेसर रहेगा, टेलीफोटो लेंस रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। फिलहाल तो इतना ही डिटेल्स इसके बाहर निकल के आए थे, डिजिटल चैट सेशन भी इसके ऊपर बात की है, तो सोचा कि आपको बता दूं मैं। मॉनिटर इसका चेंज हो सकता है। IQ 11S IQ का नया फ्लैगशिप फोन इसी महीने के एंड तक ये लॉन्च हो सकता है, सभी ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं। आज IMDA सर्टिफिकेशन को ये क्लियर कर चुका है। 8 Gen 2 प्रोसेसर होगा, टेलीफोटो लेंस होगा 6.78 इंच का, एक बहुत ही अच्छा वाला AMOLED डिस्प्ले, E6 पैनल होगा जहाँ तक मेरे को ठीक से याद है, 200 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, मतलब कि बहुत ही अच्छा तगड़े तगड़े स्पेक्स प्रोवाइड करेगा ये फोन। एप्पल का WWDC इवेंट हो रहा है, और इस इवेंट में एप्पल क्या क्या अनवील कर सकता है इसके ऊपर मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, साइड में दिखा दे रहा हूँ, देख लो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं, और यार जिस प्रोडक्ट का हम लोग इंतजार इतने टाइम से कर रहे हैं हम लोग खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम लोग 2 साल से न्यूज़ सुन रहे हैं, इसी वजह से हम लोग एक्साइटेड है। अपने पास इतना पैसा नहीं है कि 2.5 लाख रुपए का AR/VR वाला हेडसेट खरीद लेगा, बस ये बहुत ज़्यादा महंगा है, एप्पल बना रहा है, 2.5 साल से अपडेट सुन रहे हैं, इसीलिए एक्साइटेड है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसी इवेंट में अनवील हो जाएगा। IQ Neo 7 Pro, ये IQ Neo 8 का रीब्रांडेड वर्जन होगा, अभी तक तो यही आसार हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये जो स्मार्टफोन है 20 जून को लॉन्च हो सकता है इंडिया में, डेट बाहर निकल के आ गया है। वैसे आप बताओ, आप एक्साइटेड हो? वैसे IQ Neo 8 सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, एक दो दिन पहले ही लॉन्च हुए थे, वीडियो बना दिया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। वैसे काफ़ी अच्छा फोन है IQ Neo 8, अगर वो इंडिया में IQ Neo 7 Pro बन के आ गया तो बहुत ही मस्त ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा 35-36 हज़ार रुपये के आसपास। आई होप सो कि 35-36 हज़ार रुपये के आसपास ही प्राइस हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाएंगे और क्या। सच कह रहा हूँ यार, आप लोगों के साथ BGMI खेलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातचीत किए, बहुत सारे नए नए मेमोरीज क्रिएट किए, और आपसी भाईचारा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। और यार अगर आप मेरे साथ BGMI खेलना चाहते हो, अगर आईडी अभी तक मेरा पता नहीं चला है तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, देख लेना। जब भी खाली रहूँगा तो बता दूंगा आप लोगों को कि इतना इतना टाइम रहेगा, हम लोग मिलके खेला जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे को ही रखते हैं, रात के 11 से लेके 2 बजे तक, उस समय खेला जाए बैठ के, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करता रहता हूँ कि इस टाइम पे मैं खाली हूँ, आ जाओ मैच पे। और यार वैसे भी रिक्वेस्ट भेज देना, ऑनलाइन जब भी दिखूंगा तब खेल लिया जाए और क्या यार। तो यार आज का हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और मेरी मेहनत हल्की सी भी अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना इस वीडियो को। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।